नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हो आप सभी? दोस्तों हठ योगा में 6 प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, 6 षड क्रियाएं हैं जिनकी मदद से हम अपने शरीर की इंटरनल क्लींजिंग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम नहाते हैं, अपने बाल की कटिंग करते हैं, नाखून काटते हैं सो दैट हमारा शरीर बाहर से साफ सुथरा हो, इसी तरीके से अंदर से साफ सफाई करने के लिए हमारे ऋषि और मुनियों ने और हमारी जो यौगिक टेक्स्ट है उसमें 6 प्रकार की क्लींजिंग टेक्निक बताई है और उसमें से कपाल भाती 6वीं क्लींजिंग टेक्निक है। अभी तक आप सभी लोगों ने एक तरीके की कपाल भाती के बारे में सुना होगा जिसको कहते हैं एयर क्लींजिंग, जिसको हम नॉर्मली किस तरीके से करते हैं, कमर गर्दन सीधी करके जस्ट ये वाली कपाल भाती। अब इसमें क्या होता है, एक्सहेलेशन जो होता है वो आपका एक्टिव होता है और इनहेलेशन होता है वो पैसिव होता है। जब आप एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर रैपिड छोड़ते हैं तो आपकी बेली एकदम से अंदर की तरफ जाती है और इनहेलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तरीके की और कपाल भाती है जिसके बारे में अमूमन लोग नहीं जानते और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जान जाएंगे। अभी आगे की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि ये दोनों कपाल भाती आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाना। इसके अलावा नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी क्लिक कर लेना सो दैट कि आप नेक्स्ट लाइव या नेक्स्ट मेरी वीडियो कभी भी मिस ना करें। इस क्रिया को करने के लिए आपको 2 से 3 लीटर पानी हल्का गुनगुना करना है। 1 लीटर पानी में कम आधा चम्मच जितना नमक डाल लें और नमक डालने के बाद एक बड़े से बर्तन में इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें सो दैट नमक घुल जाए। और पानी में घुलने के बाद इस पानी का टेम्परेचर भी हमें चेक करना पड़ेगा, जिसको आप अपने हाथ में इस तरीके से गिरा के चेक कर सकते हैं। आइए करते हैं व्यूत क्रम कपाल भाती और साइनस क्लिनजिंग। ये क्रिया जल नेति से थोड़ी मिलती जुलती है और ये साइनस क्लींजिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके करने से आपका नेजल पैसेज, नॉस्ट्रिल, थ्रोट्स, फेरिंग्स और आपका मुंह और नाक के बीच में जो एक जगह है जहाँ पे आप साफ सफाई नहीं कर पाते, वहाँ की भी अच्छी से साफ सफाई करके पूरे के पूरे कंप्लीट साइनस एरिया को क्लीन करती है। इस तरीके से आपको खड़े होना है, गहरी लंबी सांस लेनी है, सांस छोड़नी है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एक कटोरी में या किसी ग्लास में पानी भर कर रख लें, वो नमकीन सलाइन वाटर। अब नाक से पानी को सक करें इस तरीके से और मुंह से पानी निकालें। नाक से आराम से, डरे नहीं, घबराए नहीं, नाक से पानी सक करें और मुंह से पानी धीरे धीरे छोड़ दें। अब आराम से पानी को हटाते हुए सांस लें और पानी सारा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पानी अगर आपके नाक पे रह गया, साइनस एरिया में रह गया, तो आपको सर थोड़ा भारी लग सकता है। इस तरीके से आप इस क्रिया का 2 से 3 बार आराम आराम से अभ्यास कर सकते हैं। डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, एक बार गहरी लंबी सांस ले लीजिए, सांस छोड़िए और सांस लेते हुए जैसे ही आप नाक को पानी में लगाएंगे, आराम से पानी को नाक से खींचिए। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सामने झुक के इस तरीके से नाक से पानी लीजिए और मुँह से पानी धीरे धीरे निकालिए एंड रिलैक्स। अब अच्छी तरीके से अपने जो नॉस्ट्रल्स हैं उनको क्लियर कीजिए। इस तरीके की क्रिया का अभ्यास करने से जो भी म्यूकस हमारे नाक में जम जाता है, बहुत से लोगों की समस्या होती है कि हमारे नाक क्लियर नहीं होते जिसके कारण से हम प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो वो पॉल्यूशन के कण, म्यूकस और जो भी बैक्टीरिया वायरसेस हमारे नाक के थ्रू हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं, हमारी नॉस्ट्रल्स क्लियर हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, पहली जो सीढ़ी है, वो हमारे नाक से ही तो शुरू होती है। तो इस तरीके से क्लींजिंग करते रहने से हमारे नॉस्ट्रल्स हमेशा क्लियर रहते हैं। तो इन क्रियाओं के अभ्यास से जब आपकी नॉस्ट्रल साफ होने लगती है तो आपके नाक से ही जो आप इनहेलेशन कर रहे हैं वो साफ सांस नाक से होती हुई आपके फेफड़ों पर जाएगी, पूरे के पूरे शरीर को, ब्रेन को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। इस तरीके से बार बार चेक करके अपने नाक को अच्छी तरीके से साफ कर लें, पानी सारा का सारा निकाल लें, आराम आराम से, ज़्यादा प्रेशर ना दें, आराम आराम से सारा पानी निकाल दें। आइए अब कर लेते हैं शीत क्रम कपाल भाती यानी म्यूकस क्लींजिंग। इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले पानी, जो नमकीन पानी था उसको पीना है, जिसमें आपने नमक मिलाया था उसको पीना है और उसको गटकना नहीं है, उसको सिर्फ मुंह में रखना है। आपके गले को लॉक करके मुंह में रख के सामने की तरफ इस तरीके से झुक जाएं और देखिएगा
आराम से जो पानी आपने मुंह में रखा था वो आपके दोनों नॉस्ट्रल से धीरे 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 करके बाहर आएगा। आराम से आप जैसे ही सामने की तरफ झुकेंगे, घबराएं नहीं, डरे नहीं, पानी अपने आप आराम से आएगा। कोई दूसरी जगह नहीं है जिससे पानी आपके ब्रेन में चला जाए, विश्वास मानिए। आपको बस आराम से तसल्ली रख के ये क्रिया का अभ्यास करना, बाकी जितना भी पानी होगा उसको आप निकाल दें। वापस से एक दो बार इस क्रिया का और अभ्यास करते हैं। इन सारी क्रियाओं का अभ्यास करने से दोस्तों आपकी एजिंग भी स्टॉप हो जाती है, चेहरे में अच्छी तरीके से एक चमक आता है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकेज दूर हो जाते हैं। आप जो भी अभ्यास करते हैं प्राणायाम का, उसका आपका एक्सपीरियंस बहुत एनहेंस हो जाता है, आपके मेडिटेशन की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको मुंह से निकाल दें और आराम से वापस से हम सारा का सारा पानी जो है क्लियर करेंगे। एक बार मैं आपको क्लोज व्यू से दिखलाती हूँ कि किस तरीके से मैंने मुंह से पानी रखा, मुंह में इस तरीके से पानी रखा और धीरे धीरे अपने नाक को डाउन साइड टर्न करके धीरे धीरे ये पानी अपने नाक से निकाला। अंदर पानी ये गटकना नहीं है, हो सकता है शुरू शुरू में असुविधा हो, लेकिन बिना घबराए बिना डरे आराम से जैसे ही आप सर नीचे की तरफ करेंगे पानी सारा बाहर आ जाएगा। पानी बाहर निकाल के फिर आराम से सांस लें, सांस छोड़ें। इन क्रियाओं का अभ्यास कोशिश करें कि आप संडे वाले दिन करें, सो दैट आपका दिन रिलैक्स हो और आपको ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। ये क्रिया करने के बाद जो भी पानी आपके नाक में है उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। मैं वापस से बता दूं, अगर पानी आपके नाक में रह गया तो आपका सर थोड़ा भारी लग सकता है, इसीलिए धीरे धीरे इस तरीके से अभ्यास कर करके अपना पानी जो भी नॉस्ट्रल्स में है उनको निकाल दें। इससे जो भी म्यूकस के फंसे हुए कण होंगे, लाइक काफ़ी चिपचिपे होंगे, वो भी बाहर धीरे धीरे निकल जाएंगे और आप बहुत लाइट फील करेंगे, आपका सर बहुत ज़्यादा लाइट होगा। साइनस की समस्या, माइग्रेन की समस्या तो आपको दूर होगी, स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन की समस्या दूर होगी। इस तरीके से बार बार चेक कर लें कि कहीं नाक से पानी तो नहीं रह गया, और अगर रह गया है तो उसको आराम से निकाल दें। इन क्रियाओं के अभ्यास से आपके नाक कान गले का फंक्शन इम्प्रूव होता है, रात में अच्छी नींद आती है, मेडिटेशन में काफ़ी अच्छा ध्यान लगता है। अब लास्ट में करते हैं वो कपालभाति क्रिया जिसके बारे में सभी जानते हैं, दैट इज वात क्रम कपालभाति और एयर क्लिंजिंग। कपालभाति क्रिया को फ्रंटल ब्रेन क्लिंजिंग कहते हैं या इसे एयर क्लिंजिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम अपनी नाड़ियों की शुद्धिकरण के लिए। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, दैट एक्सहेलेशन इज फोरफुल एंड एक्टिव, और इनहेलेशन इज पैसिव। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं, बेली थोड़ी सी अंदर की तरफ जा रही है और ऑटोमेटिकली फिर वो अपने वापस से पोजिशन में आ जा रही है। इस तरीके से अगर कभी पानी आ जाए वापस से अपने नाक में, तो उसको अपनी टावल के मदद से आप उसको क्लीन करें और वापस से हम अपनी क्रिया का अभ्यास कंटिन्यू रखेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी जल नेति, सूत्र नेति, व्युत कर्म कपाल भाति, शीत कर्म कपाल भाति आप करें, तो हमेशा कपाल भाति क्रिया या वात कर्म कपाल भाति क्रिया का अभ्यास करें, सो दैट आपकी नॉस्ट्रल्स अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएं, उसमें कोई भी पानी ना बचे, जिससे आपके सर में किसी भी तरीके का दर्द ना हो, भारीपन ना लगे। आप आराम से इस तरीके की क्रिया का जब आप अभ्यास करते हैं, कुछ ही देर बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी दोनों नॉस्ट्रल्स क्लियर हो गई है, क्लीन हो गई है, सारा म्यूकस जो है वो बाहर आ चुका है और मन में बड़ी अच्छी शांति आती है। मन में शांति होगी तो आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएंगी। इसके अलावा आपके प्राणायाम का जो अभ्यास करते हैं उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि नॉस्ट्रल्स अगर क्लीन है तो अच्छी तरीके से आप ऑक्सीजन का इनहेलेशन करें, जो कि पूरे शरीर और आपकी ब्रेन में पहुंच के आपके शरीर की कार्य क्षमता को इम्प्रूव कर देगा। इसके अलावा आपके मेडिटेशन में बैठने की, ध्यान लगाने की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी इम्प्रूव होती है, एकदम से कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होता है आपका, इससे मेमोरी भी आपकी डेवलप होती है। अपनी क्षमता के अनुसार, कोई भी फिक्स नहीं है कि किस इंसान को कितना करना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो इस क्रिया का अभ्यास कम से कम 20 से 30 पंपिंग करें और फिर कुछ हफ्ते 15 दिन महीनों के बाद इसका अभ्यास बढ़ा के 40 से 50 पंपिंग कर लें। फिर जब आप अभ्यस्त हो जाएं तो इसका प्रैक्टिस आप 60 पंपिंग तक भी कर सकते हैं। जब आप इस क्रिया का अभ्यास कर लें तो एकदम से लेटे नहीं, आप आराम से अपना सर डाउन करके
इस तरीके से बैठ जाएं सो दैट आपकी नॉस्ट्रल्स में जो भी पानी हो तो आराम से वो धीरे धीरे टपक टपक के बाहर आ जाए, कम से कम लाइक 5 से 10 मिनट इस तरीके से सर डाउन करके बैठ जाएं, सो दैट जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो आराम से निकल जाए और आप और भी ज़्यादा लाइट महसूस करें। ये ध्यान रखिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नेचुरल। और आपकी नॉस्ट्रल्स अगर क्लियर होंगी तो सोचिए कितना ज़्यादा मन शांत होगा। इसके अलावा कुछ क्रियाएं और भी हैं, जल नेति, सूत्र नेति, कुंजल क्रिया, त्राटका और लघु शंख प्रक्षालन, इनकी भी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं उन लिंक पर क्लिक करके इन क्रियाओं को आप आराम से कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इन क्रियाओं का अभ्यास किसी प्रशिक्षित योग गुरु की निगरानी में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।